नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल पोम टॉय अनुराग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। जो लोग पहली बार ब्रीडिंग कर रहे हैं या फिर अपने घर में या फिर अपने कैनल में, वो लोग कुछ गलती कर देते हैं जिसके वजह से उसका जो फीमेल डॉग है वो पहले ही बच्चा दे देती है, जिसके वजह से ऑनर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बच्चे भी मर जाते हैं और जो फीमेल डॉग बच्चा दी है उसको भी काफ़ी दुख होता है, काफ़ी कष्ट होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोग पहले से रखोगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पोम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगी, तो वो सब वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके में आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा और बाद में बेल आइकन भी मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ गए आप लोग, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको भरपूर मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन चाहिए। और आप लोगों को तो अच्छे से पता है कि किस खाना में क्या सब मिलता है। चिकन में प्रोटीन मिलता है और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें अच्छे मात्रा में विटामिन मिलता है, जैसे कि पपाया। दोस्तों, अगर आप लोग अपने डॉग को या खुद पपाया खाते हो तो इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, डायबिटीज़ में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, किडनी को काफ़ी अच्छा करता है, आपके हार्ट को काफ़ी अच्छा करता है, काफ़ी अच्छे मात्रा में विटामिन, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, आपके डाइजेशन को सही करता है। तो ये सब सोच करके बहुत सारे लोग अपने डॉग को पपीता खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग अपने डॉग को पका हुआ पपीता खिलाते हो तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अध पका या फिर कच्चा पपीता खिलाते हो तो दोस्तों, उसमें आप लोगों ने गेस किया होगा कि उससे उजला उजला दूध निकलता है, उसको लेटेक्स कहते हैं। दोस्तों, उसके वजह से क्या होता है कि फीमेल का जो यूट्रस है, मतलब जहाँ पे बच्चा पल रहा होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से अंदर का जो बच्चा है वो बाहर निकल जाता है और प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो इसके वजह से जो कच्चा है या अधपका पपीता है वो आप लोग बिल्कुल भी मत दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आज का जो टाइम है, आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट में कच्चा पपीता को कार्बेट देकर के, केमिकल देकर के पका दिया जाता है, तो उसका जो दूध वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर में ही रह जाता है। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग प्रेगनेंसी में पपाया हो या फिर इस टाइप का पम्पकिन हो, ये दोनों तो आप भूल से भी मत खिलाइएगा, नहीं तो बच्चे जल्दी हो जाने का चांस रहेगा और जिसके वजह से बच्चा बच नहीं पाएगा और आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा और डॉग्स को भी काफ़ी दिक्कत होगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने डॉग को अंडा, चिकन, मीट ये सब खिलाते हैं। दोस्तों, ये सब आपके डॉग को अच्छे मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड करता है और एक्चुअली जो डॉग्स होते हैं वो मांसाहारी ही होते हैं, तो उसको चिकन मीट अच्छे मात्रा में चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग कच्चा ही खिला देते हैं, इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो कच्चा चीज़ है उसमें एक सेल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है, वो फूड पॉइजनिंग कर सकता है, जिसके वजह से आपका डॉग बीमार हो सकता है और कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो ये आपको गलती नहीं करना है, क्यों ना आपका डॉग कच्चा खाना पहले से ही खा रहा हो, तो अगर आप उसको बॉयल करके दोगे तो बेटर होगा। अब दोस्तों, मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ, तीसरे नंबर पर, जो इसमें भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, खास करके न्यू पेट पेरेंट। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने डॉग से चाहते हैं कि सुंदर सुंदर पपी जाए, उसके लिए वो उसको अच्छे मात्रा में विटामिन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है आपके डॉग में। जब तक आपके डॉक्टर ना बोले कि इसको विटामिन दीजिए, कैल्शियम दीजिए, तब तक आप अपने मन से विटामिन और कैल्शियम ना चलाएं। दोस्तों, मेटिंग करवाने के 15 दिन तक आप उसको जितना कैल्शियम विटामिन देना चाहो उतना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद से आपको उसका क्वांटिटी कम करते जाना है और अगले 15 दिन में उसका क्वांटिटी एकदम ना के बराबर कर देना है। दोस्तों, जो कैल्शियम होता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में दोगे तो डॉग के कार्टिलेज के साथ, बोन्स के साथ, उसका जो यूट्रस है, जो वाल है, उस सबको मजबूत कर देगा, जिसके वजह से जो कंट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा और जो पपीज़ हैं वो जल्दी नहीं निकल पाएंगे,
और अंदर में फंस जाएगा। इसलिए एक्सेस सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है प्रेग्नेंट डॉग को। जितना रिक्वायर्ड है वो आपके डॉक्टर बता देंगे, या फिर आप जो फूड प्रोवाइड करोगे, बैलेंस डाइट जो फूड प्रोवाइड करोगे उसमें ही मिलेगा। इसलिए आप लोग कभी भी अधिक मात्रा करके ना ही विटामिन दीजिए ना ही कैल्शियम दीजिए, एकदम एडुकेट क्वांटिटी में आप 15 से 20 दिन तक दे सकते हो, उसके बाद आप एकदम ना के बराबर दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। दोस्तों जब भी डॉग प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है और इसके वजह से वो सब चीज़ खाना चाहती है, तो लोग क्या करते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा खिला देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि उसका जो नंबर ऑफ मील है वो बढ़ा देना है। दिन में आप उसको पहले 2 बार खाना दे रहे थे तो अब उसको 3 बार और फिर 4 बार खाना दीजिए, और जब निकट आ जाए लास्ट का 10 दिन आ जाए तो उसमें आप उसको दिन में 4 से 5 बार खाना दीजिए स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी करके। तो ये आपके डॉग के लिए बेस्ट रहेगा और उसके पप्पीज़ को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ऐसा आप करिएगा तो पप्पीज़ काफ़ी सुंदर आएंगे और काफ़ी हेल्दी आएंगे। दोस्तों मैं आपको डाइट के बारे में बता रहा हूँ कि क्या सब डाइट आपको देना है। एक आइडियल डाइट चार्ट अगर पूछा जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मेटिंग होगा उसके 10 दिन बाद तक आप अपने डॉग को सेम खाना दीजिए जो पहले दे रहे थे, क्योंकि अगर आप खाना चेंज करोगे तो उससे डॉग में पॉइजनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसके वजह से आपकी जो फीमेल डॉग है वो कंसीव ही नहीं करेगी। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि 10 दिन तक, मेटिंग करवाने के 10 दिन तक सेम खाना आप दीजिए, उसके बाद आप उसको पप्पी फूड पे ले आइए। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात तो तब होती है जब किसी का भलाई आपसे हो, किसी का मदद आपसे मिल रहा हो। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर किया है। अगर आप लोग भी डॉग रखे हुए हो और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट करके और भी लोगों को बताइए कि कैसे वो अपने डॉग को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्या गलती नहीं करना चाहिए, और फीमेल डॉग को क्या सब खिलाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट आप करिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे अगर आपने अच्छा कमेंट किया तो, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिले। मैं भी पढ़ूंगा, मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कमेंट में भी। दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत वीडियोज़ आती रहती हैं, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके में रेड कलर में नीचे आपको सब्सक्राइब मिल जाएगा और बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।